अस्सलाम वालेकुम ग्रेड टू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज वन, क्वेश्चन नंबर फोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड क्वेश्चन नंबर फोर। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स एंड राइट नंबर सेंटेंसेस फॉर दिस। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास बने हुए हैं, आप सबसे पहले उन ऑब्जेक्ट्स को आप देखेंगे, फिर आप उनको काउंट करेंगे, देन आपने उसको सेंटेंस में अब लिखना है। ठीक है, अब जैसे देखें क्वेश्चन नंबर वन ही देखें आप, आपके पास ये ग्रुप्स के बने, देखिए ये फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4। सेकंड ग्रुप में कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4। थर्ड ग्रुप में कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4। फोर्थ ग्रुप में कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4। फाइव में भी देखें 1 2 3 4। अब देखिए फाइव हमारे पास ग्रुप्स थे, हर ग्रुप्स में कितने बीट्स हैं? 4। इन्होंने लिखा फाइव ग्रुप्स थे ऑफ 4 इक्वल्स। ठीक है, हर एक में कितने थे? 4 इक्वल्स थे सब में। ठीक है, फाइव को फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20 इधर लिख देना। ठीक है, 5 ग्रुप्स ऑफ 4 इक्वल्स किसके इक्वल है? 20। और मीन या आप ऐसे लिख सकते 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर देखिए आपके पास ये वायर है, हर वायर में 5 बीट्स है। ठीक है, अब देखिए कितने ग्रुप्स है, 1 2 3 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने बीट्स है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। इसकी लाइन हम कैसे लिखेंगे? अब 3 ग्रुप्स कितने हैं? 3 ग्रुप्स और हर ग्रुप्स में कितने बीट्स हैं? 5। 3 ग्रुप्स ऑफ 5 आगे लिखेंगे इक्वल्स, किसके इक्वल्स आता है? 3 को इसके मल्टीप्लाई करें, 3 5 15। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। अब इसका जो दूसरा पार्ट है 1 2 3 4, अब देखिए कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप्स में कितने बीट्स हैं? कितने सर्कल्स भी कह सकते हैं हम लोग, कितने सर्कल्स हैं? 4 सर्कल्स हैं। आप लिखेंगे 4 ग्रुप्स, ग्रुप्स कितने हैं? 4 ऑफ 4, हर ग्रुप में कितने हैं? 4। हर ग्रुप में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सर्कल है हर ग्रुप में और ग्रुप टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। यानी लिखा 4 ग्रुप्स ऑफ 4 इक्वल किसके आएगा? मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट आपका लास्ट उसका रहते हैं कार्ड, अब देखिए कितने ग्रुप्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स कितने हैं इधर? 6। सबसे पहले आप लिखते हैं 6 ग्रुप्स ऑफ, अब देखिए हर ग्रुप में कितने सर्कल्स हैं? 1 2, इसमें भी 2 है,
इसके लिए वन टू, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू, इसमें भी टू, इसमें भी टू. सिक्स ग्रुप्स हैं ऑफ, हर ग्रुप है टू. अब ये इक्वल किसके आएगा, सिक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से, सिक्स टू सर ट्वेल्व. या आप लिख सकते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू ट्वेल्व. ठीक है, एक्सरसाइज फोर आपकी एंड होगी. अब एक्सरसाइज वन, अब एक्सरसाइज टू है. आपको टेंथ तक टेबल्स अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे याद होगी, जब तब आप जाके आपकी एक्सरसाइज टू आपको अच्छे से आएगी. देखिए एक्सरसाइज टू में हमारे पास गिवन है काउंट इन स्टेप ऑफ टू एंड कंप्लीट द सीक्वेंस. ठीक है, आपके पास सीक्वेंस गिवन है टू फोर गिवन है आपके पास, आगे आपने कंप्लीट करनी है. ठीक है, अब इन्होंने क्या है काउंट इन स्टेप्स ऑफ टू, मतलब टू टू का गैप लेके आपने आप भी काउंट किया, मतलब टू का टेबल आपने पढ़ना है. ठीक है, स्टेप्स टू भी टू, टू के बाद टू स्टेप्स का गैप है थ्री फोर, फोर के बाद दोबारा टू स्टेप है फाइव सिक्स, सिक्स के बाद दोबारा टू स्टेप है सेवन एट, एट के बाद दोबारा टू स्टेप का ले नाइन टेन, टेन के बाद दोबारा टू स्टेप ले इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद दोबारा थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन के बाद दोबारा टू स्टेप फिफ्टीन सिक्सटीन, सिक्सटीन के बाद दोबारा टू स्टेप सेवनटीन एटीन, एटीन के बाद दोबारा टू स्टेप नाइनटीन एंड ट्वेंटी. टू स्टेप में ना आपने टू टू करके इनको काउंट करके हो गया. फोर के बाद फोर तक तो आपको गिवन है, फोर के बाद फाइव सिक्स टू का गैप, फिर सिक्स के बाद सेवन एट टू का गैप, एट के बाद टू फिर नाइन टेन. क्वेश्चन नंबर टू है काउंट इन स्टेप टू, काउंट इन स्टेप टू. क्वेश्चन नंबर टू में है काउंट इन स्टेप्स ऑफ फाइव. अब स्टेप्स होते हैं कितने लेने आपने फाइव फाइव के. आप ऐसे सिंपल ये भी कह सकते हैं आप टू का टेबल पढ़े काउंट कर लिए टू टू का फोर टू थ्री का सिक्स टू फोर का एट फाइव का टेन टू सिक्स का ट्वेल्व टू सेवन का फोर्टीन टू एट का टू नाइन का एटीन टू टेन का टेन. अब काउंट स्टेप फाइव आप उसको फाइव फाइव के काउंट करके लिख लें या आप सिंपल फाइव का टेबल काउंट करेंगे तो आपको वैसे भी सिंपल होगा. फाइव वन का फाइव, फाइव टू का टेन, फाइव थ्री का फिफ्टीन ट्वेंटी इस तरह. ठीक है, या फिर आप काउंट स्टेप ऑफ फाइव 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 काउंट करें. फाइव के बाद मैंने फाइव काउंट किए सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन आ गया, टेन के बाद दोबारा फाइव इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन में अगेन आप फाइव काउंट करें सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ट्वेंटी में आप अगेन करें ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में अगेन करें ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी, थर्टी में फाइव करेंगे थर्टी फाइव, फिर फाइव करेंगे तो फोर्टी फोर्टी फाइव एंड देन फिफ्टी. ठीक है, इसी तरह आप लोगों को ये भी आ सकता है कि काउंट स्टेप्स ऑफ थ्री, मतलब फिर आपने थ्री का टिकट है थ्री, फिर आपके पास थ्री के बाद होगा सिक्स होगा थ्री सिक्स फिर आगे नाइन, फिर आपने थ्री थ्री काउंट करें. जितने आपको स्टेप्स गिवन होते हैं फाइव स्टेप फाइव फाइव टू के मेरा जो टू टू. ठीक है, इस तरह कर ये एक्सरसाइज टू थी. अब देखिए यहाँ पे आपको टू टाइम्स टेबल बताया गया कि हम क्या कैसे पढ़ते हैं. वन टाइम्स टू इज इक्वल टू टू, टू टाइम टू इज इक्वल टू फोर, थ्री टाइम टू इज इक्वल टू सिक्स, फोर टाइम टू इज इक्वल टू एट, फाइव टाइम्स टू इज इक्वल टू टेन, सिक्स टाइम टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, सेवन टाइम टू इज इक्वल टू फोर्टीन, एट टाइम्स टू इज इक्वल टू सिक्सटीन, नाइन टाइम्स टू इज इक्वल टू एटीन एंड टेन टाइम्स टू इज इक्वल टू ट्वेंटी. कैसे हम रीड करते हैं, वन टाइम्स टू इज इक्वल टू टू,
टू टाइम्स टू इज इक्वल टू फोर, थ्री टाइम्स टू इज इक्वल टू सिक्स एंड फोर टाइम्स टू इज इक्वल टू एट अपू सो। ठीक है, इस तरह उन्होंने ये सारे टेबल्स आपको काउंट करने बताएंगे, आपने टेंथ तक टेबल्स अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा देखिए, ये लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सब नंबर के बने, मतलब आपने टू को इन सब नंबर्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए टू वन सार टू, टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टू, फिर टू को मैं टू से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा टू सर फोर, फिर टू को थ्री से मल्टीप्लाई टू थ्री सार सिक्स, टू फोर सार एट, टू फाइव हजार टेन, टू सिक्स हजार ट्वेल्व, टू सेवन हजार फोर्टीन, टू एट हजार सिक्सटीन, फिर टू नाइन हजार एटीन, टू टेन हजार ट्वेंटी। ठीक है, ये टू का हो गया। इसी तरह आपके बुक में थ्री फोर फाइव और टेन का की बने, सिंपल आपने इसी तरह ही बनाना और उनकी टेबल्स को बुक पे ही फिल कर लेना। अब मैं एक और फाइव का कर लेती हूँ साथ, बस आपने इन टेबल्स लिखनी है फिल करने के लिए। अब हमने कौन से टेबल पढ़ने हैं, फाइव, फाइव मल्टीप्लाई वन फाइव, फाइव वन सर फाइव, फाइव को टू से मल्टीप्लाई करें टेन, फाइव को थ्री से करें सिक्सटीन, फाइव मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी, फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स सर थर्टी, ठीक है, फाइव सेवन सर थर्टी फाइव, फाइव एट सर फोर्टी, फाइव नाइन सर थर्टी फाइव, फाइव टेन सर फिफ्टी। इस तरह ही मोर फाइव का मैंने कर दिया, आप थ्री फोर टेन के इस तरह कंप्लीट करें। अब आपने मैच करें टेबल को आउट कर, देखिए थ्री फाइव सा क्या होता है फिफ्टीन, फिफ्टीन काम करेगा ये ना,
नेक्स्ट देखिए, फाइव फोर सा क्या होता है, ट्वेंटी, ट्वेंटी एट, थ्री टेन सा थर्टी, एट फाइव सा फोर्टी, नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन, फोर फोर सा सिक्सटी, इसका आपको मैच करना। अब जब आपको टेबल्स अच्छे आते होंगे तो आप ये काउंट मैच कर सकते हैं, अगर थ्री फाइव से आपको पता होगा तो थ्री को आप मैच करेंगे, फाइव फोर सा ट्वेंटी, थ्री टेन सा थर्टी, एट फाइव सा फोर्टी, नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन, फोर फोर सा सिक्सटी। तो आपने टेंथ तक पहले टेबल्स अच्छे तरीके से याद करें, देन आपको ये समझ आ जाएगा, मतलब आप जल्दी नहीं कर लेंगे अगर आपको टेबल्स अच्छे हुए। अब इनको मल्टीप्लाई करें, थ्री टू सर सिक्स, फोर फोर सर सिक्सटीन, सिक्स टेन सर सिक्सटीन, एट फाइव सर फोर्टीन, थ्री फाइव सर फिफ्टीन, ठीक है। फिर फाइव थ्री सर फिफ्टीन, सेवन फोर सर ट्वेंटी एट, टेन फोर सर फोर्टीन, फाइव टेन सर सिक्सटीन, थ्री टेन सर थर्टी। क्वेश्चन नंबर फोर कर रहे थे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, फाइव थ्री सर फिफ्टीन, टू फोर सर एट, ठीक है। जो नीचे नंबर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव, थ्री टेन सर थर्टी, टू टू सर फोर, ठीक है। टेंथ टेबल सब याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, फोर फोर सर सिक्सटीन, थ्री एट सर ट्वेंटी फोर, वन फोर सर फोर, टू सेवन सर फोर्टीन, थ्री थ्री सर नाइन, टू फाइव सर टेन, टू नाइन सर एटीन, थ्री फोर टेन सर फोर्टीन, फोर फाइव सर ट्वेंटी। यहाँ तक बस आपने काम कर लें, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेटमेंट वाले और रिव्यू कर लें। Thank you, Lovers.